हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 2 यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में पाठ के अंदर जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार इस वीडियो को पूरी आप जरूर देखें ताकि हर प्रश्न का उत्तर आप समझ सकें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। दिया गया पहला प्रश्न है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 3 परखनलियां हैं, एक में आश्रित जल है, एक में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारकीय विलयन है। हमें केवल लाल लिटमस पत्र ही दिया जाता है। हमें यह बताना है कि किस परखनली में कौन से पदार्थ रखे गए हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जिस विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वह क्षारकीय विलयन होगा। चूंकि क्षारकीय विलयन की यह गुण है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसीलिए लाल लिटमस पत्र के एक एक टुकड़े हमें तीनों परखनली में डालना है। जिस परखनली में विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वह क्षारकीय विलयन होगा। इस प्रकार क्षारकीय विलयन की पहचान आसानी से की जा सकती है। अब हम आगे क्या करेंगे? नीले हो चुके लिटमस जिस विलयन में लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा। जो लिटमस पत्र हमारा नीला हो गया, उस नीले लिटमस पत्र के एक एक टुकड़े को हम तीनों परखनली में डालेंगे। जिस विलयन में यह नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन की यह विशेषता है कि वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस प्रकार 2 परखनली की पहचान हो गई, एक क्षारकीय विलयन वाली और एक अम्लीय विलयन वाली। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? आश्रित जल में न तो लाल और न ही नीला लिटमस का रंग परिवर्तित होगा। अब जो बचा हुआ परखनली है उसमें क्या होगा? उसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो भी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वह आश्रित जल वाली परखनली होगी। इस प्रकार तीनों विलयनों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दही में या फिर कोई खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हानिकारक लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, धातु प्लस अम्ल देता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? प्रश्न में यह पूछा गया है कि जब एक धातु एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। इसका एक हमें उपयुक्त उदाहरण भी देना है। साथ ही साथ इस प्रश्न के जवाब में हमें यह भी बताना है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे। तो आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं।
धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्य रूप से क्या होता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ऐसी परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं, Zn plus H2SO4 देता है ZnSO4 plus H2। जब भी जिंक धातु अभिक्रिया करता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो यह बनाता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जांच इस गैस की हम कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। जो हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगा इसकी जांच का यही एक तरीका है कि जब भी एक जलती हुई तीली को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाया जाता है तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न में यह दिया गया है कि एक धातु के यौगिक है जिसका नाम इस प्रश्न में ए रखा गया है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न करती है यानी गैस उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। प्रश्न में यह दिया गया है कि जो यौगिक उत्पन्न होता है उसमें एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है तो हमें इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। इस अभिक्रिया में क्या है कि यह जो धातु का यौगिक है वह है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे इस प्रश्न में ए नाम दिया गया है। यह जब अभिक्रिया करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ तो यह देता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और इसमें जल के अणु का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसमें एक गैस का निर्माण होता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यह खासियत है कि यह आग बुझाती है यानी इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे। इस इक्वेशन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लेफ्ट साइड में भी 2 हो जाए और राइट साइड में भी 2 हो जाए। इसी प्रकार क्लोरीन की परमाणु की संख्या भी अब लेफ्ट साइड में 2 हुई और राइट साइड में भी 2 है। इस प्रकार यह समीकरण अब पूर्ण रूप से संतुलित है। अतः हम लिख सकते हैं यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने का गुण होता है इसलिए यह जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन को लेते हैं तो यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन ग्लूकोज के जलीय विलयन या फिर अल्कोहल के जलीय विलयन अम्लीयता के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, HCl, HNO3 आदि जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल ये जल के साथ क्रिया करते हैं और जल के अणु के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब इसको हम समीकरण के द्वारा ऐसे समझते हैं, HCl
जो है ये जल के अणु के साथ क्रिया करके ये देता है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। अब यह हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ संयोग करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। अब इस प्रकार हमने क्या देखा कि HCl या फिर HNO3 हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। इसलिए HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज नहीं। ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन हो वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अल्कोहल का या फिर ग्लूकोज का विलयन इस तरह का आयन नहीं बनाते हैं, इसीलिए ऐसे विलयन अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि HCl या HNO3 का जलीय विलयन अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले HCl के जलीय विलयन का, तो HCl का जो अणु है ये जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यह हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ संयोग करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। कोई भी विलयन विद्युत का चालन तब करेगा जब उसमें आयन उपस्थित होगा। चूंकि अम्ल का जलीय विलयन आयन रखता है अपने पास, वह है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। इसी आयन की उपस्थिति के कारण ही जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। किसी भी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल या क्षारक पदार्थ लिटमस पत्र के रंग को बदलता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उसमें नमी यानी जल के अणु मौजूद हो। शुष्क अवस्था में यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अगर हम उदाहरण ले लें हाइड्रोक्लोरिक गैस का यानी HCl का, जो कि शुष्क होता है यानी जिसमें नमी नहीं होती है, तो यह शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलेगा। रंग बदलने के लिए जल के अणु का होना आवश्यक है। ऐसा क्यों यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जल की अनुपस्थिति में शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकरण नहीं होने से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। चूंकि अम्ल का जो अणु होता है, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक गैस का, तो यह तभी विघटित होता है जब यह जल के अणु के साथ संयोग करता है, और जल के अणु नहीं होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता, जिससे यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? अम्ल को तनुकृत करने यानी अम्ल को पतला करते समय उसमें जल मिलाया जाता है। तो जल मिलाने का दो तरीका है, अम्ल को जल में मिलाना या फिर जल को अम्ल में मिलाना। तो हमेशा ऐसा सलाह दिया जाता है कि जब भी हम अम्ल को तनुकृत करें तो हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे। यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाता है तो यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है। अगर आप ऐसा करें कि
कि किसी परफनली में सांद्र अम्ला ले और उसमें जल मिलाएं, तो ऐसा करने पर यह तीव्र अभिक्रिया कर सकता है और यह अभिक्रिया विस्फोट उत्पन्न कर सकता है। यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिससे स्थानीय ताप में वृद्धि हो जाती है और कांच का पात्र टूट सकता है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें एक परखनली में जल लेना चाहिए और उसमें सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। यह सही तरीका है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। जब भी अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विलयन की अम्लता में कमी आती है, यानी उसके पीएच मान बढ़ता है, क्योंकि किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होगा उसकी अम्लता उतनी अधिक होगी, और पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा अम्लता कम होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हाइड्रोनियम आयन है इसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारक पदार्थ क्या करता है, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। इसीलिए अधिक मात्रा में क्षारक पदार्थ मिलाने पर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है, आपके पास दो विलयन ए एवं बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास दो विलयन हैं, एक है विलयन ए और एक है विलयन बी। इसमें विलयन ए का पीएच मान 6 दिया गया है जबकि विलयन बी का पीएच मान 8 दिया गया है। हमें यह बताना है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, साथ ही साथ हमें यह बताना है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारकीय। तो आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलयन ए हल्का अम्लीय एवं विलयन बी हल्का क्षारकीय है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे क्षारकीय विलयन कहा जाता है। इसीलिए विलयन ए को अम्लीय विलयन कहा जाएगा क्योंकि इसका पीएच मान 6 है और 6 मान 7 से बहुत नजदीक है, इसीलिए यह हल्का अम्लीय है। इसी प्रकार विलयन बी का पीएच मान प्रश्न में 8 दिया गया है जो 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी विलयन बी जो है यह हल्का क्षारकीय है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी अधिक होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती या घटती है तो विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन की अम्लीयता अधिक होगी।
अम्लीयता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो इसकी अम्लीयता भी अधिक होगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। क्या क्षार के विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षार के क्यों होते हैं? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्षार के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक होती है। जो क्षार के विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन भी होता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, लेकिन क्षार के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए ऐसे विलयन क्षार के प्रकृति के होते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? किसान क्या करता है, अपने खेत में कभी कभी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करता है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार वह कभी बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करता है, कभी कभी वह चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का भी उपयोग करता है। हमें बताना है कि किस परिस्थिति में किसान ऐसा करता है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चॉक की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसलिए मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है। जब किसान देखता है कि उसके खेत की मिट्टी में अम्लीयता अधिक हो गई है तो उस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए किसान इन सभी पदार्थों का उपयोग अपने खेत की मिट्टी में करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? प्रश्न का उत्तर होगा, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। इसके रासायनिक समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 जब अभिक्रिया करता है क्लोरीन गैस के साथ यानी Cl2 के साथ तो यह बनाता है विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2। इस अभिक्रिया में जल के अणु का भी निर्माण होता है। इस प्रकार प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O का उपयोग किया जाता है। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इसके रासायनिक समीकरण को ऐसे लिखा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो यह बनाता है सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार इसकी रासायनिक समीकरण को हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.5H2O
जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी CaSO4.2H2O बनाता है। इसके रासायनिक समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे CaSO4.5H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक अणु जब अभिक्रिया करता है H2O यानी जल के डेढ़ अणु के साथ तो यह बनाता है जिप्सम यानी CaSO4.2H2O। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।